19 के दृष्टिगत लॉकडाउन पर एसपी और या मैं पुलिस बल के घोषित 3 दिनों के लिए रेड जोन कस्बा खानपुर तथा कोतवाली और या जनपद और ये में किया भ्रमण तथा लोगों से अपील की है कि घर रहिए, सुरक्षित रहिए और या प्रशासन आपके साथ है। कस्बा खानपुर 3 दिनों के लिए रेड जोन घोषित किया गया। कस्बा खानपुर के व्यक्तियों को 3 दिन घरों से बाहर तथा छतों पर निकलने के लिए किया गया प्रतिबंधित। कस्बा खानपुर में 20 डॉक्टरों की टीमें घर घर जाकर कोविड-19 की जांच परीक्षण करेगी। कस्बा खानपुर के सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया है कि जब तक मेडिकल परीक्षण ना हो जाए तब तक घर से बाहर ना निकले। डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 की जांच परीक्षण करते समय सभी लोग मदद करें। मेडिकल जांच कराते समय बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति घर से बाहर ना निकले। जब तक मेडिकल परीक्षण होगा, जब तक मेडिकल परीक्षण पूरा ना हो घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये आप ही लोगों के लिए है ताकि किसी को भी यदि हल्की सी भी तबीयत खराब लग रही है वो तत्काल मेडिकल टीम को बता दे। एटलीस्ट 10 मेडिकल टीम घूम घूम कर अगले 2 दिन में पूरे खानपुर में एक एक घर में जाके सबका मेडिकल परीक्षण करेंगे। अपेक्षा मेरी ये है कि जो भी बात हो आप उनको बता सकते हैं ताकि तत्काल हम लोग मेडिकली जितना मदद कर सकते हैं उसको करवाएं। और जब तक मेडिकल परीक्षण नहीं हो जाता कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। ये छतों पे भी जो मूवमेंट हो रहा है ये हमको नहीं चाहिए, अंदर जाइए। ऐसे यहाँ का सर्वेलेंस किया जा रहा है, आप लोगों की छतों पे भी जो जो लोग दिख रहे हैं उसका फोटो खींच रहा है। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि मुकदमा लिखने से हम लोग नहीं डरेंगे और जेल भेजने से भी हम नहीं डरेंगे। आप अपनी सेहत से खिलवाड़ कर सकते हैं लेकिन शहर से या देश की सेहत से खिलवाड़। जब आपको बताया जा रहा है कि 3 दिन के लिए कोई मूवमेंट नहीं तो कोई मूवमेंट नहीं, आप अपने घर में रहिए। कोई बहुत जरूरी अगर काम हो तो बाहर निकले। पूरा दिन यहाँ मेडिकल टीम या पुलिस की टीम रहेगी, कोई भी दिक्कत आए तत्काल उसको अवगत करा सकते हैं। अगर घर से बाहर निकलना होगा तो बिना मास्क के कोई नहीं निकलेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिए। एक अलग 144 का कानून यहाँ के लिए लागू हुआ है, कल ही वो आदेश पारित हुआ है। कानपुर को अगले 3 दिन के लिए इसीलिए सील किया गया है ताकि मेडिकल टीम एक एक घर में जाकर सबका परीक्षण कर ले। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ये आप ही लोगों के सहयोग के लिए है, स्पेशली बच्चे और बुजुर्ग, क्योंकि वही इस बीमारी से ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, बाकियों को इतना असर नहीं होता है। तो बच्चे और बुजुर्गों को घर पे ही रखें और जितना हो सके उतना प्रशासन का मदद करें।